तुमने आखिर से लेट आउट पर अकेला अच्छी जो थी एक रन पूरा किया जब तक फील्डर था अगर आपको पूरा मौका था दो रन लेने का और दो रनों के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन उनमें एक बार फिर से आकाश को इस बार काफी अच्छा शॉट लेकिन वहां फील्डर मौजूद है मिस फील्डर के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन खराब फील्डर आकाश के लिए पैरों पर गेट एक रन पूरा किया और फिर से मिस फील्ड दो रन पूरा किया और गेट संभवता बाउंड्री लाइन के और फिर से वही बॉलर पसर इस बार मार्केट के सहारे गेट थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन स्कोर 39। अरे यार पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर खड़े इस बार फिर से काफी अच्छे फिर से आकाश को और इस बार संपर्क हुआ और अच्छा संपर्क हुआ गेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए शानदार बल्लेबाजी आकाश के द्वारा 45 रन स्कोर और इस बार फिर से वही शॉट खेलना चाहते थे रन आउट का चांस और आउट शिवम अच्छी गेंद काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में बसर आउट आउट अंपायर आउट 45 रन 20 इस बीच काफी अच्छी गेंद और स्लिप की पोजीशन पर जब तक फील्ड किया जाता आसानी के साथ एक रन लेने का मौका है स्कोर हुआ 46 रन सोहेल भाई एसके स्पोर्ट्स 70 यूट्यूब पे उनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है वो दबाना न भूले सोहेल भाई हमारे काफी मेहनत कर रहे हैं इतने तेज धूप में हेलमेट लगाकर इस मैच को रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी गेंद गई विकेट कीपर के पीछे वहां कैच हो सकता और इस बार गेंद को गया है लेग साइड पर एक रन पूरा किया दूसरा रन पूरा किया और काफी आसानी के साथ दो रन पूरे किए इन दो रनों के साथ 49 रन स्कोर इस बार अच्छी गेंद थी कोई रन नहीं मिला अभी भी स्कोर 49 रन और इस बार फिर से काफी अच्छी गेंद पर थोड़ा सा चूके नहीं तो वो स्टंप भी आउट सामने है उनके बल्लेबाज शायद आकाश काफी खराब गेंद पहली गेंद इसका पूरा फायदा उठाया ले बॉल का इशारा अंपायर का और 6 रन शिवम थे डिपॉजिट किया स्टैंड में और इस बार फिर से आप साइड पर अकेला कैच आउट हो सकते हैं और आउट अच्छा कम बैक किया वहां बॉलर ने कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने कैच आउट कराया एक बार फिर गुफरान आकाश को अच्छी गेंद इसे हल्के हाथों से खेला मात्र एक रन के लिए उसको 57 रन हुआ एक बार फिर गुफरान अब गेंदबाजी करेंगे अमित को और काफी लंबा छक्का पहले ही गेंद पर छक्के से खाता खोला अमित ने शानदार बल्लेबाजी एक बार फिर गुफरान तैयार अमित और इस बार फिर से वही शॉट खेलना चाहते बेल लेकिन इस बार विकेट कीपर ने काफी चुस्ती दिखाई काफी फुर्ती दिखाई विकेट को सॉरी गेंद को पीछे जाने से रोका इस बार आसिम से काफी ज्यादा बार नो बॉल का इशारा अंपायर का इसलिए दोनों बैट्समैनों ने दौड़ कर दो पूरे किए थे रन भी लेना चाहते थे नो बॉल है रन आउट भी हो सकते हैं लेकिन नहीं हुए बाल बाल बचे टोटल 4 रन मिले इसके उत्तर 67 रन स्कोर हुआ पांचवा ओवर फेंका जा रहा है गुफरान के द्वारा 67 रन और अब आकाश और आकाश बोल्ड आउट हुए ऊपरी हिस्से से लगी एक रन पूरा किया पानी के साथ है दूसरा रन भी हल्की सी
दो रन पूरे कर उम्मीद आए। एक बार फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर का, इसलिए दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर दो रन पूरे कर लिए। टोटल 3 रन मिले, स्कोर हुआ 4। वाइड का इशारा अंपायर का, अभी तक एक भी गेंद नहीं, 4 रन खर्च कर चुके हैं उम्मीद। और इस बार अच्छा संपर्क, दो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए खड़े खड़े बल्ला चलाया। बॉल इस बार फिर से बड़े शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद का सही संपर्क नहीं हुआ और गेंद बाउंड्री लाइन के नजदीक जब तक कि फील्ड की जाती, 2 रन पूरे कर लिए थे और 3 रन भी आसानी से साथ पूरा किया। 6वां ओवर फेंका जा रहा उम्मीद के द्वारा, और अब पंकज कैप्टन इस बार अच्छी गेंद थी, उसे आउट साइड पर ढकेला, टिप्पा खाने के बाद सीधा फील्डर के हाथों में गेंद को 1 रन पूरा किया। अभी भी 6वां ओवर फेंका जा रहा है उम्मीद के द्वारा, उनके सामने बल्लेबाज 1 रन पूरा किया, हल्की सुनने से ली रन आउट का चांस, लेकिन थ्रो थोड़ा सही दिशा। एक बार फिर गेंदबाज उम्मीद इस बार संभवतः बॉलर तैयार, किशन के लिए अच्छी बॉल उनके पैर से टकराई, 1 रन पूरा किया। 7वां ओवर फेंका जा रहा है अजय पुरी, कोटे का पहला ओवर संभवतः कर रहे हैं, टीम का 7वां ओवर है। वाइड का इशारा अंपायर का, लेकिन इसके दोनों बैट्समैन ने दौड़कर बाई के रूप में 1 रन पूरे किए, टोटल 2 रन मिले इस गेंद पर। सातवां ओवर फेंका जा रहा है अजय पुरी के द्वारा, इस बार लेफ्ट साइड पर ढकेला गया, फील्डर मौजूद है, कैच आउट किशन, कैच आउट हुए होने की उम्मीद थी यहाँ के दर्शकों को। अगली बार बल्ला चलाया, गेंद को लेफ्ट साइड पर ढकेला, वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा किया, 3 रन भी पूरा कर लिया और गेंद को जब तक फूट गया था, गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी है 4 रनों के लिए, 5 रन स्कोर हुआ 7वें ओवर की प्रगति में। पूरी एक बार फिर विश्व के लिए, इस बार फिर से काफी वाइड गेंद संभवता कर रहे हैं, विश्व को बार बार छकाया, फिर से वाइड गेंद को उनके बल्ले से दूर रखना चाहते हैं अजय पुरी, 1 रन पूरा कर लिया है और जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता है पूरा मौका 2 रन लेने का। इन 2 रनों के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 96 रन, 7वां ओवर फेंका जा रहा है पुरी के द्वारा, 95 हुआ भाई। पूरी एक बार फिर विश्व के लिए बार बार गेंद को इनकी रडार से दूर रखना चाहते हैं अजय पुरी, जानते हो सामने है विश्व, पहली गेंद पर उन्हें ऑफ स्टंप को खड़ा, उनका काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बसर अपने कोटे के अंतिम ओवर में। एक बार फिर से बार बार वही गेंद डाल रहे हैं, बार बार अनिल बल्ला चला रहे हैं, लेकिन कम से कम कुछ रन 100 रन तो बना ले सारी उमरा की टीम, गेंद और बॉल का संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, निगाहें कहीं और निशाना कहीं और। इस बीच काफी देर के बाद 1 रन आया, स्कोर 97 रन, संभवतः ये अंतिम बॉल होगी। काफी तेज शॉट खेला है, वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा किया, 2 रन भी आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। 99 रन, 100 रनों का टारगेट सीधा, 100 रन बनाने होंगे, सेंचुरी कर पूरी करनी होगी अगर जीत हासिल करनी है तो। अंपायर के बगल से रहा तो भाई ले सका तो कराया, पंकज ने एक शानदार कैच पकड़ा,
राशिद और भारत पैर तक राहित समझौता के एक रन पूरा किया, जब तक कहता था पूरा मौका दो रन लेने का, इसको दो रन फिर से तैयार राशिद को इस बार फिर टॉस, लेकिन सही तरह से गेंद और बैट का था आउट विकेट के पीछे एक बार फिर, और इस बार काफी अच्छी गेंद पैड से एक बार फिर से टकराई आरजेट है 48 गेंदों में, इस बार वाइड का इशारा अंपायर का, चार रन स्कोर चार पंकज भैया इतनी खतरनाक की ब्रेकर था। और अब उन्होंने अपना दिशा चेंज की राइट आर्म ओवर द विकेट और पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज उस्मान ने, पहला छक्का इस पारी का, सेकंड बलवा एक बार फिर शुभम तैयार उस्मान को, और इस बार काफी अच्छा शॉट एक बार फिर से, लेकिन उसके पीछे फील्डर मौजूद है और गेंद संभवता जब तक फील्ड किया जाता है आसानी के साथ, दो रन पूरे किए, ओवर की समाप्ति। और अब आए हैं गेंदबाज बॉलर नेम अंकित एक बार फिर, और इस बार फिर से लंबा हिट लगाना चाहते थे राशिद, लेकिन सही तरह से गेंद और बैट का मिलन नहीं हुआ, एक रन पूरा किया और हल्की से मिसफील्ड हुई और उसका पूरा फायदा उठाया दोनों बैट्समैनों ने, दो रन पूरे कर लिए स्कोर 14 रन। अभी दूसरा ओवर फेंका जा रहा है अमित के द्वारा, सामने है बल्लेबाज राशिद और इस बार उठा दिया है, उसके नीचे फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद संभवतः बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए शानदार छक्का राशिद के बल्ले से दंदनाता हुआ, फिर तेज काफी खुखार बल्लेबाजी कर रहा, इस बार फिर से दो बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, और अब राशिद अपने पूरी लय में आ चुके हैं, शानदार बल्लेबाजी राशिद के द्वारा, एक सफलता मिली है जरूर पहले ही ओवर में उम्मी के रूप में, लेकिन इस बार फिर से बल्ला चलाया लेकिन संपर्क नहीं हुआ गेंद के, थर्ड मैन पर 1 रन 27 रन स्कोर, दूसरा मान अमित का, फिर से काफी ज्यादा बाहर वाइड का इशारा अंपायर का, 1 रन राशिद को, देखना है राशिद इस बार फिर से वही शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इस बार बार विकेट कीपर से मिसफील हो रही है जिसका फायदा दोनों ही बैट्समैन, एक बार फिर अमित राशिद को इस बार फिर से आर्बिटर से काफी ज्यादा बाहर वाइड का इशारा अंपायर का, 32 राशिद फिर से वाइड, फिर से एक बार आप स्टंप पे वाइड है, इसके बाद दूसरे में 33 रन हो चुके, इस बार फिर से ऊपर कुछ गए तो उसे धकेला आगे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, जाते हैं बाहर एक बार फिर शुभम राशिद को लिया कैच आउट का चांस लेकिन गेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन 42 रन स्कोर, चौके के साथ बाउंड्री लगाई और इस बार फिर से सेम शॉट और सेम रिजल्ट गेट बाउंड्री लाइन के बाहर, एक बार फिर से 4 रनों के लिए, अब मात्र 54 रनों की जरूरत, इस बार दिशा से भटके वाइड का इशारा अंपायर का, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन पूरा किया और जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता फिर से 1 रन और 2 रन टोटल 3 रन मिले, इसके फुल टॉस गेंद की पूरा फायदा उठाया गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, सिर्फ बाउंड्रीज में ही डील कर रहे हैं, एक बार फिर सीएम तैयार फिर से उसे लेग साइड पर ढकेले, वहां फील्डर मौजूद जरूर है जो कि फील्ड भी किया अच्छी फील्डिंग, 57 रन, तीसरा ओवर फेंका जा रहा है शिवम के द्वारा, सामने है राशिद फिर से, वहां फील्डर मौजूद तो है लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, काफी तेज बल्लेबाजी की जा रही है दिलाई थी, फिर से यार्क लेंथ की गेंद 30 बार अच्छी गेंद थी लेकिन वहां जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता पूरा मौका 2 रन लेने का दोनों ही बल्लेबाजों के पास, इसको 65 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर आए हैं शिखर, अच्छी गेंद काफी अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया उस गेंद को उस्मान ने, इस इनिंग की संभवतः यह सबसे अच्छी गेंद कही जाएगी अब तक, और इस बार उसे कैच आउट का चांस था लेकिन वहां फील्डर मौजूद नहीं था, मात्र 1 रन मिला,
सिर्फ बाउंड्रीज में ही डील करना जानते हैं, क्या हुआ आउट करा देगा शानदार कैच पकड़ा मुलायम ने उसके कप्तान को, उनसे यही उम्मीद। और अब गुफरान ने आते ही अपने फेवर दिखाने शुरू कर दिए, एक रन पूरा किया हाल की टीम में और उसका पूरा पैदा उठाया, दोनों बैट्समैनों ने दो रन पूरे किए, 68 रन स्कोर हुआ। ये चौथा ओवर फेंका जा रहा आकाश के द्वारा और इस बार फिर सुनाई और फिर संभवता बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन आकाश के द्वारा, इस बार फिर से सेम शॉट और संभवता सेम रिजल्ट दोनों। अरे वो तो काफी अच्छी कर रहे हैं शुभम, मुलायम से मिस फील्ड हुई, आकाश से भी मिस फील्ड हुई, लेकिन तीसरे फील्डर ने कोई गलती नहीं की, दो रन पूरे किए स्कोर 82 रन। बढ़िया बढ़िया शिवम के द्वारा, शिवम के कोटे का अंतिम ओवर और इस बार फिर से बल्ला चलाया, लेकिन एक बार फिर अच्छी अच्छा शॉट, ये काफी अच्छी मिसफील्ड भी हुई शॉट के बाद फिर शिवम का है बक्सोदी पहले तैयार इफ्रान को इस बार, इस बार फिर से काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शिवम इस ओवर में, शानदार गेंदबाजी कही जाएगी उनका, शान 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर, अब 18 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत। एक बार फिर गुफरान के लिए बॉलर काफी स्लोअर गेंद, संजय पुरी के लिए काफी स्लोअर गेंदे कर रहे हैं, लेकिन सटीक लाइन सटीक लेंथ पूरी तरह से बांट के रखा है बैट्समैनों को, इस बार फिर से अच्छी गेंद शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार 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 संजय पुरी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, गेंद कहां से कहां जा रही है, सोमवार ने की तरह गेंद को स्पिन करा रहे हैं आलोक, किफायती ओवर जादुई ओवर कहा जाएगा ये, पूरी तरह से चकमा पुराना सॉरी उमरा के कैप्टन एक बार फिर से कट, अंकित की गेंदबाजी का सामना करेंगे ठीक है। कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखें, फिर से रन आउट का चांस, तालमेल में कमी में उमरा के बॉलर्स ने काफी अच्छी गेंदबाजी शानदार, कुछ भी हो पैसा वसूल मैच, वाइट का इशारा, अभी भी 9 रनों की जरूरत, 4 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत, फिर से वाइट 4 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत, 4 गेंदों पर और इसमें दोनों बैट्समैनों ने दौड़ कर सिंपल रहा, दौड़ नहीं पाया, 3 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत, दौड़ शुरू किए 3 गेंदों 6 रन इस बार मैदान पर, एक बार फिर बॉलर अंकित तैयार, इससे बढ़िया मैच और क्या हो सकता है, शान